दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्ध के कहानी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहिए। तो आइए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसने प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य बताऊँगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता कर के आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की इस बात को मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी। उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भरकर सब्जियाँ दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य पत्थर लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। तब उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया, तो वो सुनार उसके बदले में 200 सोने के सिक्के देने के लिए भी राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उस पर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी हीरा है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूँ तो इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बता दिया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगा।